नाग पंचमी पर उज्जैन के भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, सारे रिकॉर्ड टूटे। वर्ष में एक बार ही नाग पंचमी पर होते हैं दर्शन। महाकाल की नगरी उज्जैन में वर्ष में एक बार खुलने वाले विश्व प्रसिद्ध भगवान नागचंद्रेश्वर के पट देर रात 12 बजे महापंचायती निर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरिजी महाराज और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने त्रिकाल पूजा के साथ भोग लगाकर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नाग पंचमी पर साल में एक बार ही खुलते हैं। एक अनुमान के अनुसार शुक्रवार को लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा और दर्शन किए। दर्शन का यह सिलसिला मध्य रात तक चलता रहा। स्थिति यह थी कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर के पट खुलने से 2-3 घंटे पहले ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। पुलिस प्रशासन द्वारा इस वर्ष सामान्य श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उन व्यवस्थाओं में 5-6 घंटों के बाद में महज कुछ ही समय के लिए भगवान के दर्शन हो पाए, जबकि उन्हें अपनी बारी के इंतजार में घंटों लाइन में लगना पड़ा। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की सुविधा नहीं होने से यात्री परेशान भी नजर आए, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं के पैरों में सूजन, घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें भी हुई। यहाँ दर्शनार्थी देश विदेशों से आते हैं, ऐसे में पर्याप्त प्रशासनिक सुविधा न होने से उन्हें थोड़ी सी निराशा जरूर हुई, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ आस्था होती है वहाँ इन सभी बाधाओं को वे पार कर लेते हैं। ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने से थोड़ी सी प्रशासनिक असुविधा जरूर हुई, लेकिन दर्शनार्थियों ने एक ही दिन में लाखों की संख्या में यहां पर दर्शन करके एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, प्रशासक मृणाल मीना सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम से सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए थे, साथ ही समय समय पर दर्शन व्यवस्था का जायजा भी लेते रहे। दिव्यांग व वृद्ध जनों को भगवान के सुगमता से दर्शन हो सके, इस हेतु ई रिक्शा और व्हील चेयर का प्रबंध भी मंदिर समिति द्वारा किया गया। पीएन वॉइस के लिए प्रधान संपादक पवन नाहर के साथ अश्विन चोपड़ा की खास रिपोर्ट, उज्जैन। सभी दर्शकों को नागचंद्रेश्वर के नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारी परंपरा है, भगवान महाकाल का ये जो दिव्य प्रांगण है, दिव्य मंदिर बना हुआ है, इसमें तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जो कि प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। बाकी 364 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं। वर्ष में एक बार अवसर आता है, सभी श्रद्धालु बहुत शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं इस दिन की। तो आज वो क्षण आया, भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए, सारी विधि परंपराओं के अनुसार हुई। शुक्र पंचायती खड़ा महानिर्वाणी की जो परंपरा है, महंत गादी के द्वारा पट खोले जाते हैं, तो उसी पद्धति से पट खोले गए, भगवान से प्रार्थना की गई, उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया गया और पूजन के पश्चात अभिषेक भगवान का किया गया, और उसके पश्चात जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी श्रद्धालु आनंद के साथ में भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।